खरगोनी यातायात पुलिस अमले ने गायत्री मंदिर तिराहे पर चालानी कार्यवाही की है। यातायात थाना प्रभारी दीपेंद्र स्वर्णकार ने बताया कि तीन सवारी और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर कार्यवाही करते हुए करीब 30 चालान काटे गए हैं। यह कार्यवाही POS मशीन के माध्यम से हुई। POS मशीन से सारे चालान काट कर ई रसीदें दी गई। बगैर हेलमेट 250 और तीन सवारी पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह लायंस क्लब सिटी एवं लायंस क्लब संजीवनी द्वारा भी सेवा सप्ताह के दौरान यातायात संबंधी जानकारी दी, हेलमेट पहनने की सलाह दी। साथ ही लायंस क्लब सिटी की क्षमा मिश्रा ने पर्यावरण को लेकर कपड़े की थैलियों का वितरण किया। कार्यवाही के दौरान SI राजकुमार चौधरी, ASI विजय तिवारी, आरक्षक फारूक खान, विजय महाजन, आरक्षक नरेंद्र मौजूद थे। तीन POS मशीनों से कार्यवाही की गई। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्लब सिटी और लायंस क्लब संजीवनी द्वारा आज सेवा सप्ताह के दौरान यातायात के संबंध में जानकारी दी और बताया लोगों को हेलमेट पहने और जो सूचनांक है उसके संबंध में सूचनाएं दी। और ये हमारा लायंस क्लब सिटी और लायंस क्लब संजीवनी का सेवा सप्ताह चल रहा है। ये सेवा सप्ताह का 7वां दिन है। हम लगातार ये गतिविधियाँ कर रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। और आज कपड़े की थैलियाँ भी बांटी जाएगी पर्यावरण संरक्षण के लिए। मैं लायंस श्रीमती क्षमा मिश्रा, लायंस क्लब खरगोन सिटी अध्यक्ष। इसके पहले हमने अभी विगत है कुछ 3-4 दिनों से इसका जो प्रचार प्रसार कर रहे थे और आज भी हमने कंप्लेंट के माध्यम से और हमारे चेकिंग पॉइंट पे लोगों को ये समझाया जैसे हेलमेट पहनो और साथ ही साथ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। कितने का चालान बन रहा है इसमें? इसमें हेलमेट का जो है ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है उसका 250 रुपये का फाइन है और समझाइश भी दे रहे हैं कि भाई दोनों जो पीछे वाली सवारी उसको भी हेलमेट पहन के बैठना चाहिए गाड़ी पे। क्या संदेश देना चाहोगे हम आज? संदेश यही है, हेलमेट बहुत ही ज़रूरी इक्विपमेंट है। गाड़ी चलाते समय एक बहुत ही एसेंशियल गियर है, उसको पहन के ही गाड़ी चलाए क्योंकि जब एक्सीडेंट या दुर्घटना होती है तो एक हेड इंजरी के कारण जो मृत्यु होती है उसके आंकड़े को बहुत ही कम किया जा सकता है अगर सभी हेलमेट लगा के गाड़ी चलाए। मैं थाना प्रभारी यातायात सूबेदार दीपेंद्र स्वर्ण का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।